हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओरियो बिस्किट से मोदक बनाएंगे और जिसके लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट के छोटे 5 पैकेट लिए हैं। ये 10 रुपये वाला पैकेट है, तो ये 10 रुपये वाला मैंने 5 पैकेट लिया है। अगर आप चाहें तो एक बड़ा पैकेट ले सकते हैं। उसके बाद एक बाउल में हम सारे बिस्किट को निकाल लेंगे। और मैंने सारे बिस्किट को इस बाउल में निकाल लिया है। और अब हम बिस्किट के बीच में जो व्हाइट क्रीम है उसको बिस्किट से अलग करेंगे। तो इस तरह से चाकू से आप बिस्किट के बीच की क्रीम को अलग एक बाउल में निकाल लें। और आप देख सकते हैं कि मैंने सारी क्रीम जो है वो एक बाउल में निकाल ली है और ये सारे बिस्किट को अलग कर लिया है। और इसके बाद अब मैंने बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया है और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। और ये पाउडर बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम बारीक पाउडर बना है बिस्किट का। और अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकाल लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही ज़रा सी देसी घी। फ्रेंड्स, देसी घी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि मोदक में शाइन आए और बिस्किट जो है वो हाथों में चिपके नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा घी नहीं डालनी है, बस ज़रा सी घी डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। दूध डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे। और दूध ऐड करने के बाद इसका एक फाइन डो तैयार करेंगे। और ये डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, मोदक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम मोदक की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने बिस्किट की क्रीम को ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। पिस्ता ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसको स्किप ना करें, ज़रूर डालें। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारी फिलिंग भी अब रेडी हो चुकी है। अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये डो हाथ में लेंगे और उसका एक पेड़ा तैयार करेंगे। और पेड़ा बनाने के बाद अब उसको हल्के हाथों से फैलाना है। ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा फैलाएं। और अब इसके बीच में हम फिलिंग रखेंगे। इस तरह से फिलिंग को रखते हुए अब इसको चारों ओर से कवर करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि फिलिंग थोड़ी ही रखें, अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर मोदक फटने का डर रहेगा। तो आप पेड़ा जितना बनाते हैं उस हिसाब से ही फिलिंग को डालें। और इस तरह से इसको चारों ओर से अच्छे से कवर कर लेंगे और ऐसे घुमाते हुए मोदक का शेप देंगे। फ्रेंड्स, आप बिना मोल्ड के बहुत अच्छा मोदक बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं फॉक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ टूथपिक या स्पून से भी इसमें लाइन बना सकते हैं और मोदक में डिज़ाइन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा बिना मोल्ड के कितना अच्छा मोदक बना है। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।